फिरोजाबाद के टीवी ग्राउंड में आज एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया। ये मैत्री मैच गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मैच उद्देश्य था समाज में एक मैत्री की भावना का प्रतिपादन करना, और साथ ही इस मैच में SKS राणा, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य भवन एवं डॉक्टर आलोक कुमार एवं CMS RK पांडे मौजूद रहे। फिरोजाबाद से जयप्रकाश, SKH न्यूज। Wish you very well then. अरे गए गए हमारे दिल में। अरे वाह, भाई निकल रहा है। अरे आगे से बैठो सर, आगे से बैठो सर, बहुत थोड़ा आगे से बैठो, आगे से बैठो, आगे से सर, आगे। बिल्कुल पूरा क्लियर आता नहीं तो तुम्हें क्या मैं का दस का एक खिलाड़ी तुमने मेहनत कराई है बिल्कुल हमारे पापा खेलन जाते थे दोनों अरे जन चल चल दिया मैं का दस का एक खिलाड़ी कमेंटेटर बॉक्स पर आ जाए वीरेंद्र चौधरी भाई चौधरी तीस गज का टायर क्यों एक स्टैंड भी तो आता है स्टैंड है हमारे पास वो आके रखा है मंगा लो ना उसको रख दो उसी पर रखे रहो चलने के एम्पायर कौन है वो है राहुल है एम्पायर मैं पिक्चर में डाल देना मैं अग्रवाल वाली मती लाओ मती अग्रवाल पिक्चर में डाल देना मैं खिलाड़ी लगे और पहली ही गेंद से दो तीन चार पाँच छह अरे बहुत बढ़िया चार रन चीयर गर्ल नहीं बुलाई तुमने बैट से पहली गेंद से अपना खाता खोलते हुए चौके के साथ अरे सर आपने चीयर गर्ल नहीं बुलाई है ये जानते ही ना थ्रो भाई करण वो खिलाड़ी देना जानता है तो नहीं जी और क्या आज देखिए हमारे यहाँ CMS 11 और CMO 11 के बीच में गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैच रखा गया है। दोनों ही टीमों को हमने शुभकामनाएं दी हैं और दरअसल गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सब लोग मिलजुल कर साथ रहें, खिले कूदे स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं।
जैसा कि सी एम एस साहब ने बताया, और जो अभी नया एक हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम में शुरू किया गया है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और ये हमारे यहाँ पहले से भी चल रहा था, लेकिन एक अगला कदम है कि जिसमें के सी एम ओ सी एम एस इलेवन क्रिकेट भी खेलेगी और उससे भी युवा साथी जो हैं खेल कूद में और भी बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करें, और जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक रहें और वो हेल्थ के लिए अपना उनका स्वस्थ रहे, और खेल कूद इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी शुभकामनाओं के साथ है। आप किस तरह की जनता की शुभकामनाओं का प्रयास करते हैं? गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले यूपीएसआरटीसी की तरफ से मैं प्रदेश की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसके साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि हमारा संविधान जिस स्वरूप में और जिस उद्देश्य के साथ लागू किया था, हम सब मिल करके उसको साकार करने में सफल होंगे, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सदैव जनता के साथ। थैंक यू।